छिंदवाड़ा बीजेपी में लोकसभा को लेकर बगावत तेज हो गई है। दरअसल सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब वो प्रदेश के सीएम हैं और वो लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा से अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है, इसलिए अब एक के बाद एक दावेदार भोपाल बीजेपी कार्यालय में दस्तक दे रहे हैं। साथ ही वे अपनी उम्मीदवारी को ही सबसे मजबूत बता रहे हैं। इन्हीं में एक उम्मीदवार है संतोष जैन, जो सालों पहले कमलनाथ से भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनका आरोप है कि अगर उस इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होती तो वो कमलनाथ को हरा देते। कुछ वोट उनको मिला है, ये वोट प्लस हो के अपन चुनाव जीत सकते हैं, वरिष्ठों के दिमाग में आना स्वाभाविक है। ने बात ये रखी कि हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल में से कोई लड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी का पहले से संगठन का काम कर रहा है। हमने किसी नाम का विरोध नहीं किया और वो हमारे बात से सहमत है। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग एक साथ बैठ जाओ संगठन मंत्री के साथ, आप जो सुझाव देंगे, जो नाम देंगे वो हम लोग। बट्टी का नाम आया था वो तो कह रहे नहीं, देखिए बट्टी का नाम जो आया था वो हो सकता है प्रदेश के दिमाग में आया हो, लेकिन जिले से बट्टी का नाम किसी ने दिया नहीं। देखिए प्रदेश के दिमाग में इस बात से आया है कि वहाँ पे 3-3.5 लाख वोट हमारे माननीय आदिवासी के भी है, तो पार्टी ने सोचा था कि यदि ये लड़ते जो अभी विधानसभा में लड़े तो 1 लाख कुछ वोट उनको मिला है, तो ये वोट प्लस हो के अपन चुनाव जीत सकते हैं।